नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंस्वार्ट्स। इन दिनों बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। अपराधियों के मनोबल इतना हाई हो गया है कि आम लोग तो छोड़िए, खास लोग और बल्कि पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं। और ऐसा ही मामला पूर्णिया जिले में देखने को मिला है, जब एक थानेदार को अपराधियों ने टारगेट किया। जब वो कॉफी पीकर निकल रहे थे और गाड़ी में जाकर बैठते हैं, तैसे दो बाइक पर सवार 6 अपराधी आते हैं और उन पर गोली चला देती हैं, जिसमें मौके पर वो घायल हो जाते हैं। उनका इलाज जो है फिलहाल चल रहा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा करता है कि आए दिन बिहार में इस तरह की घटना क्यों घट रही है। इस तरह अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, और आम लोग तो छोड़िए, खास लोग भी इसका टारगेट लगातार हुए जा रहे हैं। दरअसल बता दें कि पूर्णिया शहर की फोर्ड कंपनी चौक के पास बाइक सवार अपराधियों ने रविवार की देर रात मधुबनी TOP प्रभारी को गोली मार दी। उन्हें लाइन बाजार स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि TOP प्रभारी सिविल ड्रेस में फोर्ड कंपनी चौक स्थित एक होटल से कॉफी पीकर निकल रहे थे। गाड़ी में बैठने के बाद दो बाइक पर सवार 6 अपराधियों ने उनका पीछा किया। छिनतई की नियत से अपराधियों ने पिस्टल कॉक कर गोली चला दी। घटना की सूचना मिलते ही IG सुरेश प्रसाद समेत कई थानों की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची और अस्पताल भी जाकर जायजा लिया। वहीं बता दे कि SP आमिर जावेद ने घटना की पुष्टि कर दी है। रात के करीब ये घटना है जब अपराधियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। वहीं रात करीब 12:30 बजे पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि रात के करीब 10 से 11 बजे के बीच थाना अध्यक्ष मधुबनी TOP व अपर थाना अध्यक्ष मंगरा को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराध कर्मी किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। सूचना संकलन व रेकी करने के उद्देश्य से उक्त पुलिसकर्मी सिविल गाड़ी में निकले थे। वही इसी क्रम में उन लोगों को दो पल्सर बाइक संदिग्ध लगी। दोनों बाइक को रुकवाने के क्रम में एक अपराधी ने पुलिस कर्मी पर गोली चला दी। गोली मधुबनी TOP के थाना अध्यक्ष को लगी है। उक्त घायल पुलिस कर्मी को आनन फानन में इलाज के लिए शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली चलाने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए जिले के सारे बॉर्डर को सील कर सघन छापेमारी की जा रही है। वही पूर्णिया में जिस तरीके से बेखौफ अपराधियों ने थानेदार को गोली मारी है, वो एक बार फिर बता रहा है कि लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। अपराधी जो है बेखौफ हो गए हैं, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन इस तरह की घटना जो है आम हो गई है। अब ये बात देखने वाली बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर को जो सरकार कहती है कि दुरुस्त हो गया है, इस तरह की घटना नहीं घटती है, लेकिन जिस तरीके की घटना जो है पूर्णिया में घटी है, थानेदार को ही टारगेट किया गया है। जब थानेदार कॉफी पीकर निकल रहे थे तभी अपराधी आते हैं, दो बाइक पर 6 अपराधी आते हैं और छिनतई की मंसूबे लेकर उन पर गोली चला देते हैं, जिसके बाद वो घायल हो जाते हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।